बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि कोई भी कार्यक्रम हो, खासतौर से राजनीतिक कार्यक्रम हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, और अगर ये आयोजन सरकार की ओर से किया जा रहा है तो वहाँ पर शोभा के रूप में या फिर एक तरह से दिखाने के तौर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर जिनको नचवाया जाता है ना, वो अक्सर आदिवासी बच्चे होते हैं, आदिवासी युवतियाँ होती हैं या फिर आदिवासी युवक होते हैं। ये स्थिति अब जरा मुश्किल हो रही है, क्योंकि बीजेपी यानी कि राजनीतिक कार्यक्रम में अब आदिवासी युवक युवतियों को नचवाने का जो ये कोशिश कर रही है, अब उन्होंने नाचने से मना कर दिया है। पहली बार हम ये देख पा रहे हैं कि उन लोगों में, खासतौर से आदिवासियों में, अब स्वाभिमान जाग उठा है और वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे कार्यक्रम में नहीं नाचेंगे, क्योंकि हम इस तरह से आपके मनोरंजन के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। अपने बच्चे ले आओ, नचवा लो और स्वागत करवा लो। क्योंकि बीजेपी इन दिनों मध्य प्रदेश में विकास यात्रा के नाम पर अपना राजनीतिक जो प्रचार कर रही है आने वाले चुनावों को देखते हुए, वहां पर ये कार्यक्रम जिले स्तर पर या फिर तहसील स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। हर जिले हर तहसील में आयोजित किए जा रहे हैं और वहां पर भीड़ जुटाने के लिए या तो आदिवासियों को नचवाया जा रहा है, आदिवासी युवक युवतियों को नचवाया जा रहा है, या फिर बार बालाओं का वहाँ पे डांस प्रस्तुत किया जा रहा है, या फिर बार बालाओं से वहाँ पे ये भीड़ इकट्ठा करवाई जा रही है। ये बहुत ही अजीब सी स्थिति, एक तरह से शर्मनाक कह सकते हैं। और इस बार आदिवासियों ने साफ मना कर दिया है कि हम तुम्हारे कार्यक्रम में, खासतौर से बीजेपी के कार्यक्रम में नहीं नाचेंगे। सुनिए। हाँ, सरकार की कोई बीजेपी की सरकार आ रही भैया, चलो गरीब आदिवासी बच्चों को धकेलो, विकास नचवाओ, यहाँ पे पैसा एक्ट लागू कर देंगे, हमारे आदिवासी बच्चों को नचवाओगे, मनोरंजन का साधन बना के रखे हो। किससे परमिशन लिए आदिवासी बच्चों को नचवाने का? अभी पांचवें ट्राइबल क्षेत्र जी है, पैसा एक्ट लागू, कौन ने परमिशन दे दिया आपको आदिवासी बच्चों को नचवाने के लिए? बच्चे लेके आओ ना, तो अपने बच्चे ले आओ, नचवा लो और स्वागत करवा लो। वैसे तो शिक्षा से वंचित करके रखे हैं। आता कौन नेता मंत्री मिनिस्टर बैठा है, यह बताओ। वहाँ भी बड़ौदा में भी ऐसे कर लिए, बैठा के बच्चों को लाके बैठा के रख लिया। संबंधित कर्मचारियों को कार्रवाई होना चाहिए, बच्चों को आदिवासी बच्चों को नाच गाना करवाते, इनके बच्चों को बड़े बड़े स्कूल हाईफाई स्कूल में पढ़ा लिखा। और ये जो इस तरह की बगावत है, या एक तरह से ये कहें कि हमारा स्वाभिमान जब जागता है, तो ये निश्चित रूप से ये किसी भी कौम के लिए ये बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि यहीं से शुरू होती है बदलाव की शुरुआत, यानी कि यहीं से बदलाव की शुरुआत हो जाती है। तो अब हम ये देख सकते हैं कि आदिवासियों ने बीजेपी के कार्यक्रम में नाचने से मना कर दिया है।